बाल गोपाल ने खाया गरीब का माखन। गोपाल दास एक ग्वाल था। उसके पास अपनी दो गायें थी जिनका दूध दोहकर वो गली गली घूम घूम कर बेचा करता था। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, आओ आओ दूध ले लो। गोपाल दास बहुत ही ईमानदार था और दूसरे ग्वालों की तरह दूध में पानी नहीं मिलाता था। शायद इसीलिए उसके ग्राहकों को उसका दूध बहुत पसंद था। आओ आओ दीदी, कितना लीटर दूध दे दूं? भैया, एक लीटर ही दूध दो। अरे पर तेरा परिवार इतना बड़ा है, एक लीटर दूध में कैसे चलेगा? और पहले तो तू 2 लीटर दूध लेती थी ना, तो अब क्या हो गया? हाँ लेती थी, पहले मैं दूसरे ग्वालों से दूध लेती थी, वो दूध में दूध से ज्यादा पानी मिलाता था, पर गोपाल दास भाई का दूध इतना गाढ़ा है कि मुझे खुद इसमें पानी मिलाना पड़ता है। एक बार तू भी ले, फिर खुद ही समझ जाएगी। ऐसी बात है तो भैया मुझे भी 1 ही लीटर दूध दे दो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे दूध में क्या अलग है। जी दीदी। गोपाल दास ने उस औरत को दूध दे दिया। गोपाल दास का दूध गाढ़ा और ताजा होता था, इसलिए जो भी उसका दूध एक बार खरीदता वो बार बार उसी से दूध खरीदता था। सुबह जो दूध बच जाता उसे गोपाल दास घर ले आया करता था और उस दूध को मत कर उससे माखन बनाया करता था। अरे क्या जरूरत है तुम्हें रोज इतनी मेहनत करने की, बचे हुए दूध का रोज माखन बनाते हो और कृष्ण मंदिर में भोग चढ़ा देते हो, इससे तो अच्छा तुम दूध ही भोग में चढ़ा देते। अगर मेरे कृष्णा को दूध पसंद होता तो वही चढ़ाता, पर मेरे कृष्णा को तो माखन पसंद है, तो भला तुम मुझे माखन बनाने से क्यों रोक रही हो? मुझे क्या, तुम्हें खुद ही इतनी मेहनत करने का शौक है तो करो। रमा को गोपाल दास की ये कृष्ण भक्ति अजीब लगती थी। गोपाल दास नित्य हर दिन माखन बनाकर कृष्ण मंदिर ले जाया करता था और श्री कृष्ण को भोग लगाकर वो माखन गरीबों में बांट दिया करता था। और वहां आसमान में विराजमान श्री कृष्ण जी के मुख पर माखन देखकर राधा रानी हैरान थी। क्या बात है, लगता है आपने फिर से माखन चुराना शुरू कर दिया। नहीं नहीं राधे, ये माखन हमने नहीं चुराया है, बल्कि हमें ये माखन भोग में चढ़ा है। चाहो तो तुम भी चक्कर देखो, हमारा ये भक्त गोपाल दास नित्य हर दिन दूध से सद माखन बनाकर हमें भोग चढ़ाता है और फिर यही माखन मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटता है। लगता है ये भक्त आपको कुछ ज्यादा ही प्रिय है, तो फिर इसकी ऐसी अवस्था क्यों है श्री कृष्ण? क्या आप अपने भक्त की मदद नहीं करेंगे? करेंगे, पर उससे पहले चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक सेठ सेठानी का रूप ले लिया और वो गोपाल दास के दरवाजे पर पहुँचे। अरे गोपाल दास, तुम ही हो क्या भैया? हाँ हम ही हैं। बोलिए क्या काम है? सुना है तुम बहुत अच्छा माखन बनाते हो, हमारी मिठाइयों की दुकान है और हम चाहते हैं कि हर दिन तुम हमें ताजा और स्वादिष्ट माखन बेचो। नहीं मुझे माफ कीजिए, मैं माखन नहीं बेच सकता हूँ। पर क्यों? चाहो तो हम तुम्हें ज्यादा दाम भी दे सकते हैं। बात पैसों की नहीं है, मैं ग्वाल हूँ, रोज गांव भर घूमकर दूध बेचता हूँ और जो दूध बच जाता है उसे हर दिन अपने श्री कृष्णा के लिए माखन बनाकर उन्हें भोग लगाता हूँ, और मैं ये माखन सिर्फ अपने श्री कृष्णा के लिए ही बनाता हूँ। अजीब हो भाई, पहली बार किसी ऐसे व्यापारी को देखा है जो मुनाफे से ज्यादा भगवान की सोच रहा है। क्या तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए? मुझे दूध बेचकर जितना मिलता है उससे मेरा जीवन खुशहाल है, मुझे अधिक पैसों का लोभ नहीं है। क्षमा कीजिए पर मैं आपके लिए माखन नहीं बना सकता। सेठ सेठानी गोपाल दास के घर से दूर चले आए। लगता है हमें दूसरे तरीके से इसकी परीक्षा लेनी होगी। जी, सेठ सेठानी गरीब बूढ़े बुजुर्गों में बदल गए। उनके कपड़े फटे पुराने थे और शरीर दुर्बल। वो दोनों वही रास्ते के किनारे के पेड़ के पास बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि गोपाल दास उसी रास्ते से गुजर रहा था। हाँ
काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। हे भगवान, इससे तो अच्छा कि तू हमें मौत ही दे देता। इनकी आवाज सुन गोपाल दास इनके पास आया और उसने अपने माखन का डिब्बा बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिया। अभी फिलहाल मेरे पास यही है, आप ये माखन खा लीजिए, इससे आपकी भूख थोड़ी तो शांत होगी। गोपाल दास ने अपने हाथों से बूढ़े आदमी और औरत को माखन खिलाया। धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी भूख शांत की। पर बेटा, तुम ये माखन कहाँ ले जा रहे थे? मैं ये माखन मंदिर ले जा रहा था, अपने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने। अरे रे रे, ये हमसे कैसा पाप हो गया? ये तो भगवान का भोग था और उनसे पहले ही हमने खा लिया। बाबा, अगर मैं आपको अनदेखा करके ये माखन श्री कृष्णा को चाहता तो वो भी इसे स्वीकार नहीं करते। आज इस माखन से आपका पेट भर गया, मानो मेरे श्री कृष्णा का भी पेट भर गया। और बस तभी श्री कृष्ण और राधा रानी अपने असली रूप में आ गए और उन्हें देखकर गोपाल दास की आंखों से आंसू टपके और वो अपने आराध्य के चरणों में लीन हो गया। हे बाल गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है? गोपाल दास, तुम नित्य दिन मेरे लिए स्वादिष्ट माखन बनाते हो और रोज मुझे भोग चढ़ाते हो, तो आज सोचा मैं स्वयं तुम्हारे हाथ से माखन खा लेता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट था गोपाल दास। प्रभु। गोपाल दास, हम दोनों तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम्हारी भक्ति तो अतुलनीय थी ही, पर तुम्हारी अच्छाई भी अतुलनीय है। इसी तरह अपने मंदिर की अच्छाई को हमेशा जीवित रखना गोपाल दास, तुम्हारा कल्याण हो। गोपाल दास को आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण और राधा रानी ओझल हो गए और उनके आशीर्वाद से गोपाल दास ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। अब उसके पास बड़ा घर, कई सारी गायें और गौशालाएं भी थी। पर आज भी गोपाल दास खुद अपनी गाय का दूध दुहकर उसका माखन बनाकर अपने श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता था। जब भी वो किसी को प्रसाद में माखन बांटता तो उसे उस व्यक्ति में श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। जय श्री कृष्ण। आज भी उसकी पत्नी रमा उसे टोकती है। अरे, अब तो बंद कर दो ये माखन बनाना। जब तक मेरे प्राण चलेंगे मैं रोज माखन बनाकर अपने श्री कृष्णा को भोग लगाऊंगा। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे श्री कृष्ण तुम्हारे हाथ का माखन सच में खाते हैं। गोपाल दास रमा को ये समझा नहीं सकता था कि उसके श्री कृष्ण सच में उसके हाथ का माखन खाते हैं, इसलिए वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। अपने हाथ से अपने आराध्य को माखन खिलाने का सुख गोपाल दास के सिवाय और कोई नहीं समझ सकता।